हेलो लर्नर्स वेलकम टू योर चैनल इस वीडियो हम आंतरप्रोशिप डेवलपमेंट के यूनिट टू के कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो ये वीडियो का पार्ट टू है यूनिट टू का पार्ट वन जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन एज यानी कि टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम को हम कैसे डिफाइड कर सकते हैं ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म कैपिटल में डिवाइड कर सकते हैं ऑप्शन बी मिड टर्म कैपिटल में या फिर ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म या फिर ऑल द एवब यानी कि तीनों में ही डिवाइड कर सकते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एवब हम तीनों में ही डिवाइड कर सकते हैं फिनांशियल सपोर्ट सिस्टम को लॉन्ग टर्म कैपिटल भी मिलता है मिड टर्म कैपिटल सपोर्ट भी मिलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल सपोर्ट भी मिलता है क्वेश्चन है फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर जो फिनंशियलियलियलियलियल सपोर्ट सिस्टम होता है वो क्यों जरूरत पड़ती है किस लिए जरूरत पड़ती है उसकी ऑप्शन है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन भी लेंदी एनपीडी साइकिल यानी कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल होता है इसलिए ऑप्शन सी है कैश फ्लो चैलेंजेस जो भी डिफरेंट कैश फ्लोज होते हैं बिजनेस रन करने में उसके लिए या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वे यानी कि तीनों ही ऊपर के ऑप्शन में जो है फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑल ऑफ़ द एबव कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना हो चाहे लेंदी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं या फिर डिफरेंट कैश फ्लो चैलेंजेस होते हैं जो कि बिज़नेस रन करते होता हैं तो उन सभी के लिए हमें फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है किसी में लॉन्ग टर्म चाहिए, तो तो चाहिए होता है तो किसी में मिड टर्म तो किसी में शॉर्ट टर्म टाइप का फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है तो ऑल ऑफ द एबव करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल सोर्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट इज आर यानी कि जो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस सपोर्ट है उसमें नीचे देखिए ऑप्शन में कौन सा है ऑप्शन ए है एडवांसेस इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस सपोर्ट है सपोर्ट है ऑप्शन बी इंस्टॉलमेंट क्रेडिट जो है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनल सपोर्ट है ऑप्शन सी एक्रूड एक्सपेंसेस जो है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस सपोर्ट है या फिर ऑप्शन डी रिटेंड प्रॉफिट जो है वो इंटरनल सोर्स या ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट है तो आपको बताना है कि नीचे देखिए चार में से कौन सा फाइनेंशियल सपोर्ट इंटरनल सोर्स का है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा रिटर्न प्रॉफिट होगा एडवांसेज इंस्टॉलमेंट क्रेडिट अक्रूड ये क्या है

कंट्रोल लेकिन हायर परचेज क्या है एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनल सपोर्ट क्या हो जाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट ऑप्शन है हायर परचेज क्वेश्चन है फर्स्ट हायरिंग फॉर न्यू फ्यू पीरियड एंड देन परचेजिंग इज नॉन एच यानी कि कोई भी बिजनेस से पहले वो हायर करता है कुछ टाइम पीरियड के लिए फिर उसके बाद उसको परचेज कर लेता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को तो उसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए लीज ऑप्शन बी स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑप्शन सी ट्रेड क्रेडिट या फिर ऑप्शन डी हायर परचेज यानी कि पहले हायर करते हैं सामान को फिर उसके बाद, उसके बाद उसको परचेज कर लेते हैं तो ये ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन हायर परचेज में ऐसा होता है हायर परचेज में क्या होता है कि पहले हम उसको हायर करते हैं उसके बाद परचेज कर लेते हैं क्वेश्चन है एक्सपेंसेस एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड मीज नीचे दिए चार ऑप्शन में से बताना है कि किसका मतलब होता है कि एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड यानी कि एक्सपेंस तो हो गया लेकिन हमने पेड नहीं किया है ऑप्शन ए डिफर्ड इनकम का मतलब होता है ऑप्शन बी एक्रूड इनकम का मतलब होता है या फिर ऑप्शन सी एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब होता है या फिर ऑप्शन डी डिफर्ड एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्रूड एक्सपेंसेस एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंड हो चुका है लेकिन हमने पे अभी नहीं किया है क्वेश्चन है एडवांस बिफोर सप्लाइंग गुड्स रिफर्स टू एडवांस बिफोर सप्लाइंग गुड्स यानी कि सप्लाई करने से गुड्स को सप्लाई करने से पहले जो एडवांस लिया जाता है वो किस चीज को डिफर करता है डिफर्ड इनकम को एक्रूड इनकम को एक्रूड एक्सपेंसेस को या फिर डिफर्ड एक्सपेंसेस को तो करेक्ट ऑप्शन इज डिफर्ड इनकम इसको कहते हैं डिफर्ड इनकम यानी कि सप्लाई नहीं किया लेकिन हमने एडवांस पहले ही ले लिया तो डिफर्ड इनकम कहते हैं उस टाइप के इनकम को नेक्स्ट है इंडिजीनियस बैंकर्स मेन जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है पब्लिक मनी लेंडर होते हैं वो गवर्नमेंट बैंक होते हैं प्राइवेट मनी लेंडर्स को इंडिजीनियस बैंक या फिर ऑल ऑफ द यानी कि ऊपर के तीनों को ही हम इंडिजीनस बैंकर कहते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इंडिजीनस बैंकरस में प्राइवेट मनी लेंडर यानी कि ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो मनी लेंड करती हैं तो उनको क्या कहते हैं इंडिजीनस बैंकरस भी कहते हैं So, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड क्रेडिट इज ए तो ट्रेड क्रेडिट आपको बताना है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट है मिड टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट है या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट है या फिर ऑल अदर तीनों टाइप का ही सपोर्ट मिलता है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ट्रेड क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट ऑब्वियस ऑबियस बात है कि आप किसी से ट्रेड उधार करके क्रेड लेते हो ट्रेड करते हो तो उसमें शॉर्ट टर्म ही होता है क्वेश्चन हायर प्रसेज इज ए तो हायर प्रसिज आपको बताना है कि कौन से टाइप का सपोर्ट है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट है या फिर मिड टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट है या फिर नन ऑफ द ऊपर के तीनों ही टाइप का सपोर्ट नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हायर परचेज का तो हायर परचेज इज ए मिड टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट क्या करते हैं कि कुछ टाइम पीरियड के लिए हम ले लेते हैं रेंट पे उसके बाद हम उसको परचेज कर लेते हैं तो मिड टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट होता है क्वेश्चन है वेंचर कैपिटल इज दी तो वेंचर कैपिटल क्या है कैपिटल प्रोवाइडेड एट अर्ली स्टेज या फिर ऑप्शन बी कैपिटल प्रोवाइडेड एट लेटर स्टेज या फिर ऑप्शन सी ओनली बीज गेड यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है या फिर डी नन ऑफ द ऊपर से एक भी सही नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा तो वेंचर कैपिटल क्या होता है ऑब्वियसली बात है अर्ली स्टेज में कैपिटल प्रोवाइड जो किया जाता तो है उसको हम वेंचर कैपिटल कहते हैं तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन कैपिटल प्रोवाइडेड एट अर्ली स्टेज क्वेश्चन है कॉमर्सियल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच परफॉर्म यानी कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो परफॉर्म करते हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या ऑप्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑप्शन बी एडवांसिंग लोन्स ऑप्शन सी क्रेडिट क्रिएशन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं लोन्स एडवांस करते हैं क्रेडिट क्रिएट करते हैं या फिर सभी करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक ये सारे की सारे तीनों एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव कॉमर्सियल e बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो डिपोजिट एक्सेप्ट करते हैं लोन्स एडवांस करते हैं और क्रेडिट क्रिएट भी करते हैं क्रेडिट भी देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से तीन जो है डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है लेकिन एक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है वो बताना है कि कौन सा नहीं है तो ऑप्शन ए है आईडीबीआई ऑप्शन बी है आईएफसीआई ऑप्शन सी है सिडबी या फिर ऑप्शन डी है एच यू डी सी ओ हुटको तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन इज हुटको ऑप्शन डी ये स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के लिए काम करता है तो स्पेशलाइज फाइनेंशियल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है बाकी तीनों आई डी बी आई एफ सी और सिडबी ये क्या है डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक वॉज रिनेम्ड एज आई आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बैंक है जो कि आई के नाम में बदला बदला गया था ऑप्शन ए है आई ऑप्शन बी है आईसीआई आई या फिर ऑप्शन सी है आई या फिर डी नन ऑफ द बबू ऊपर के तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसका नाम बदल के आर रखा गया है तो करेक्ट ऑप्शन अगर आपने पढ़ा है सही से तो आपको बता सकते हैं आई आर जो है वो आई आई का रिनेम है यानी आईआरसीआई पहले था उसको डीम करके आईआरबीआई कर दिया गया तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू प्रोवाइड रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलेशन असिस्टेंट मेनली टू सिक यूनिट यानी कि एक ऐसा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो कि रिकंस्ट्रक्शन और रीहेबिलेशन सिक यूनिट के लिए प्रोवाइड करता है वो कौन सा है ऑप्शन है आईसीआईसीआई ऑप्शन बी है आई ऑप्शन सी है सिडबी ऑप्शन डी है आईआरबीआई तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है नीति दी गई ऑप्शन में से जो कि रीस कंस्ट्रक्शन रीहबिलेशन असिस्टेंट जो है प्रोवाइड करता है सिक यूनिट्स के लिए तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आईआरबीआई इंस्टीट्यूशनल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया जो भी आपने पीछे क्वेश्चन देखा था जो पहले आईआरसीआई के नाम से था तो आई आरबीआई इंस्टीट्यूशनल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया ये जो है रिकंस्ट्रक्शन रेहेबिलेशन असिस्टेंस देता है सिक यूनिट्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम हैज बीन लॉन्च बाई एम एस एम ई मिनिस्ट्री टू एक्सेस क्रेडिट वर्थनेस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर व्हाट इज इट कॉल्ड यानी कि एमएसएमई मिनिस्ट्री ने एक क्रेडिट रेटिंग परफॉर्मेंस और क्रेडिट रेटिंग स्कीम लॉन्च किया था उसको क्या कहते हैं ए है परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम ऑप्शन बी है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन ऑप्शन सी है परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमी रेटिंग स्कीम या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ्टिव यानी कि ऊपर में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम जो है ये एम एस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था टू एक्सेस द क्रेडिट कैपेबिलिटीज ऑफ इंडस्ट्रीज इन दी सेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन एस बी ए स्टैंड फॉर आपको बताना है कि एस बी ए का क्या मतलब होता है स्मॉल बिजनेस अकाउंटेंट्स स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉल बिजनेस एडुकेशन या फिर स्मॉल बिजनेस एडवाइजर्स तो करेक्ट ऑप्शन क्या है एस बी ए का स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन बेस दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन ए डैश इज ए स्पेशलाइज फर्म दैट फाइनेंस यंग स्टार्टअप कंपनीज नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि स्पेशलाइज्ड फर्म है जो कि यंग और स्टार्टअप कंपनीज को फाइनेंस करता है ऑप्शन ए company, company, तो है वेंचर कैपिटल फर्म ऑप्शन बी है फाइनेंस कंपनी ऑप्शन सी स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कंपनी या फिर ऑप्शन डी कैपिटल क्रिएशन कंपनी तो करेक्ट ऑप्शन इज वेंचर कैपिटल फर्म ए वेंचर कैपिटल फर्म इज ए स्पेशलाइज फॉर्म दैट फाइनेंस यंग एंड स्टार्टअप कंपनीज क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ वेंचर कैपिटल फर्म यानी कि वेंचर कैपिटल फर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से वो वेंचर कैपिटल फर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो बताना है आपको ऑप्शन ए फंडिंग जस्ट वन और स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स क्या ये फीचर है कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑप्शन बी होल्डिंग इक्विटी इन द फर्म्स दैट आर फंडेड हैविंग ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होरिजोन एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड असिस्टेंट टू द फर्म दैट आर फंडेड तो कौन सा करैक्टरिस्टिक्स नहीं है तो ऑबियसली बात है कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है ऑप्शन ए फंडिंग जस्ट वन और स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वेंचर कैपिटल सभी को फंड देता है जो एलिजिबल होंगे तो होल्डिंग इक्विटी इन द फर्म ये भी हैविंग लॉन्ग टर्म इवेस्टमेंट हरिजन ये भी सही है प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड असिस्टेंट टू द फर्म दैट आर फंडेड यानी जिनमें फंड किया है उनको एडवाइस और अस्िस्टेंट देना ये भी सही है तो तीनों के लेकिन जो ऑप्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द इंस्टीट्यूशन विच इज सेटअप एज एन एपेक्स बैंक टू प्रोवाइड डायरेक्ट इन डायरेक्ट फाइनेंशियल असिटेंट अंडर डिफरेंट स्कीम एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन इन सिमिलर एक्टिविटीज तो आपको बताना है उस इंस्टीट्यूशन का नाम जो कि सेटअप किया था सेटअप किया गया था एज ए एपेक्स बैंक टू प्रोवाइड डायरेक्ट इन डायरेक्ट फाइनेंशियल असिटेंट अंडर डिफरेंट स्कीम एंड ऑल्सो कॉर्डिनेट द फंक्शन ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन इन सिमिलर एक्टिविटीज ऑप्शन ए सिड ऑप्शन बी एन एस आईसी ऑप्शन सी आर एस बी डी सी या फिर ऑप्शन डी नन तो करेक्ट ऑप्शन इज सिडबी एस आई डी बी आई नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंस्टीट्यूशन विच वॉज सेटअप इन 1982 एटी टू टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट आपको बताना है कि नीचे दिएगा ऑप्शन में से कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कि 1982 एटी टू में सेटअप किया गया था टू प्रमोट इंटीग्रेड रूरल डेवलपमेंट एन एस आई सी नाबार्ड सिडबी या फिर एन सी ई यूएस तो करेक्ट ऑप्शन इज बी नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये 1982 एटी टू में सेटअप किया गया था टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अब हम कुछ फुल फॉर्म्स देख लें जो कि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं यूनिट टू में खासकर हैं तो जो कि क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं जैसे एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डी आई सी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर एस आई एस आई का फुलफॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके फर सकते हैं ई डी आई आई आंट्रप्रेनोरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एन आई ई एस बी यू डी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आंट्रप्रेनोरशिप एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट डेवलपमेंट एन ई डी बी नेशनल आंट्रप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड आई डी बी आई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आई सी आई सी आई इंडस्ट्रील क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सिडबी एस आई डी बी आई स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आई एफ सी आई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं हुटको जो भी आपने क्वेश्चन में देखा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जी आई सी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एस एफ सी स्टेट फिनेंशियल कॉरपोरेशन कहते हैं इनको और एस आई डी सी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस uh, हैं जो कि आपको पता होना चाहिए इनमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आप में एम में फंस सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही आगे हम और बाकी यूनिट्स के भी एम लेके आएंगे यू ऑल द बेस्ट की पॉचिंग सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज थैंक यू